Asana! आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे? यस आलू ला भिंडी ला तोरी ला घिया ला प्याज ला। अच्छा था आपका ऐसे हाँ किसी की याद आ गई। तो ऑलमोस्ट सबने देखे हैं। उल्टा सीधा वाला सेशन देखा है? उसमें मैंने कितने पुशअप्स मारे थे? 25। तो आज 250 पुशअप्स के तैयार हो। तैयार हो? आओ करो फिर। सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। कितने लोगों को वो जो मेरा उल्टा सीधा वाला सेशन था वो समझ नहीं आया? एक आपको नहीं आया, और कोई दूसरा आपको नहीं आया? नहीं आया, ऊपर से निकल गया। नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे, बट मैंने कहा एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किसके कमेंट्स पढ़ने में आ रहा था? लड़कियों के कमेंट्स। बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब उनको ज़्यादातर को, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ज़्यादातर को सेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला, अच्छा है बुरा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके कमेंट पता है क्या रहे? ओ सो क्यूट। So sweet, huh? I love you. ऐसे से कमेंट्स। तो मैं पढ़ रहा तो मैं सोच रहा कि इनके दिमाग में क्या आता होगा। ये वीडियो बेकार है, इसमें शर्ट अच्छी नहीं है, ये बेकार है, इसमें बहुत सीरियस हो गया, बेकार है। तो ऐसी और भी कुछ चीजें आती हैं आप लोगों के माइंड में? बताओ, खुल के बताओ। और है, अभी भी दिख रहा है आपको? ये और लड़कियों को ही क्यों दिखता है? आज तक किसी लड़के ने मुझे देखा ये और है। अच्छी वाली फील आती है। थैंक यू जी। अच्छा, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये अच्छा था। और कुछ? आपकी आवाज मैजिकल। मेरी आवाज मैजिकल है? फिर एक लड़की आ गई। कोई लड़का भी कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है शुरू से लेके आखिर तक। एनर्जी लेवल बहुत हाई जाता है। ज्यादा कैसे बोल लेते हो, क्योंकि बोलने का ठेका तो गर्ल्स के पास होता है। जिसने सुना नहीं है मैं बोल देता हूँ। इन्होंने कहा है कि आप शादी के बाद भी इतना कैसे बोल लेते हो, इसीलिए तो बोल लेता हूँ। घर में मुझे बोलने का मौका मिलता नहीं है, घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ, तो सारी भड़ास यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ, और कोई मजेदार बात जो आती है? दिल से अगर दिल पे लगती है और कहीं नहीं लगती। वो तो मेरी जान आपको देख के लग ही रहा है, जब से आप आए हो छाए हुए हो। आप ही को देख के करने वाला हूँ आज का मैं सेशन। आप हो और मैं हूँ, हम दो, लेकिन हमारा एक भी नहीं। सर, जब तक वीडियो चलता है लगता है सक्सेस मिल जाएगी, जहाँ वीडियो खत्म काम खत्म होता होगा। आई एम श्योर कि जब वीडियो चल रही होती है तब तो माइंड में आ रहा होता है कि बस अब तो हो गया, अब तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वीडियो खत्म होने के बाद में फट जाती है। अबे अब क्या करूँ, वीडियो तो खत्म हो गई, सपनों की दुनिया से बाहर आ गया, अब मैं क्या करूँ। पेपर में ये तो जाता है, चलो कुछ आता नहीं है मगर मोटिवेशन तो है, कुछ तो करेंगे आगे पीछे से, कहीं से कुछ तो करेंगे। आप इस उम्र में भी पेपर दे रहे हो? मजाक कर रहा हूं। हमारे माइंड में जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हर सेकंड हर वक्त जो चलते हैं, आपके माइंड में हर मिनट हर सेकंड क्या थॉट्स चलते हैं? जब कुछ करना होता है तो मेरा माइंड उस डायरेक्शन में चल रहा होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई काम है तो मेरा माइंड सिर्फ उस काम पे लगा हुआ होता है, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे चल रहा होता है, जैसी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहाँ से हट जाता है। बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट थिंक एनीथिंग, लाइक इट्स लाइक काइंड ऑफ जस्ट अ बीइंग स्टेट। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ करें, ना अपनी बॉडी से ना अपने माइंड में, लेकिन जब करना है तो आधे अधूरे दिल से नहीं करना, फिर पूरी तरह से करना है, मतलब बॉडी से भी। वाह, जो करना है खुल के करना है, या तो नहीं करना है, जब करना है तो फिर ये सोच सोच के नहीं करना कि मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करूं ना करूं, व्हाटएवर, करना है तो करना है, फिर तो निकाल देना है आगे अपने आप को।
फिर नहीं रोकना है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं जो देखने में आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी भी लगते होंगे, बट लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये दोनों ही चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। दोनों में से एक भी नहीं आती, आप मर गए। किसी को भागना तो आता है, आप समझ गए, बिजनेस में भागना तो आता है, काम में भागना तो आता है, रुकना नहीं आता। कोई बिजनेसमैन है, वो दिन में 24 घंटे में से पागलों की तरह बिजनेस ही करे जा रहा है, 12 घंटे 15 घंटे, घर पे आ गया तब भी दिमाग में बिजनेस घूम रहा है, बच्चों का ध्यान नहीं है, वाइफ का ध्यान नहीं है, किसी चीज का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ बिजनेस। मतलब उसको भागना तो आ गया, बिजनेस में कामयाब हो गया, लेकिन लाइफ में फेल हो गया, क्योंकि उसको रुकना ही नहीं आता। ये अपने आप में दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं, पर दोनों ही बहुत जरूरी है। जैसे कि जागना और सोना, आपको जागना तो आता है, जाग करके क्या करना है वो भी आता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपनी बॉडी से क्या करना है, माइंड में 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहना है। सोना कैसे है, रात को चले जाते हैं बेड पे सोने के लिए, नींद नहीं आ रही होती, सोच रहे होते हैं, सोने के लिए भी सोचो, लोगों को सोचना पड़ता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे नींद आ जाए, ऐसी थॉट चल रहे होते हैं, नींद आ क्यों नहीं रही। अरे सोने के लिए क्या सोचना है, जैसे ही आप इस थॉट को छोड़ दोगे जिसको आपने पकड़ा हुआ है, वो थॉट क्या है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे सोना है, तो नींद आ जाएगी। धीरे धीरे एकदम से नहीं होगा। धीरे धीरे, उसके लिए एक अलग चैनल बना हुआ है, स्पिरिचुअलिटी वाला चैनल, उसकी वीडियोस को आप देखो। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी, आप थॉट्स को नहीं छोड़ सकते, आप डिजायर्स को नहीं छोड़ सकते, इस बात को अच्छे से बारीकी से समझ लो। आपके अंदर जो डिजायर्स भरे हुए हैं, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, आप उसको नहीं छोड़ सकते। उससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है, इन सारे डिजायर्स से और इन सारे थॉट्स से, वो क्या है कि आपको समझ आ जाए कि उसकी जगह क्या है, बस, तो वो चीज़ छूट गई। फॉर इंस्टेंस, अगर यहां पर ये पानी की बोतल पड़ी है, मान लो इस बोतल में कुछ ऐसा है जिसको डायमंड में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब कि 100 करोड़ का डायमंड, मान लो कि साइंटिस्ट ने कुछ ने डिस्कवरी करी है, तो अब इस बोतल से रिलेटेड आपका डिजायर क्या होगा, डिजायर क्या होगा कि इसको छोड़ना है या इसको पाना है? पाना है, और किस तरह से पाना है, कैसे भी पाना है। एक बार ना कोशिश किया करो, जब मैं कुछ बोलता हूं तो उसको इमेजिन करने की, ताकि आप समझ पाओ, वो इंटेंसिटी आपके अंदर आ पाए, और फिर आप समझ पाओ कि मैं आपको कहां लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि सच में जो बॉटल है, इसमें जो पानी है, ये पानी नहीं है, ये डायमंड है, पानी के जैसा है, इसको जैसे एक मशीन में डाला जाएगा, उसमें से एक डायमंड बाहर आएगा, जो इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड होगा, जिसकी वैल्यू 100 करोड़ रुपए होगी, और ये आपके हाथ आ सकती है, आपको सिर्फ मुझसे छीनना है, मतलब कि आपस में कंपटीशन करना है। मैंने आप लोगों के बीच में कंपटीशन करा दिया कि आपको ये करना है तो आपको ये मिलेगी, जो भी आप में से जीतेगा। अब वो कंपटीशन कैसा होगा, आप लोग आपस में कैसे कॉम्पीट करोगे, बड़े प्यार से कॉम्पीट करोगे कि कोई बात नहीं, मैं इसमें रेस में पीछे जा रहा हूं, तू आगे निकल जा, तू जीत जा, मुझे इस बॉटल की जरूरत नहीं है, मुझे 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, क्या करोगे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होगा, क्या कोई किसी दूसरे के बारे में सोच रहा होगा, वो कुचला गया, वो मर गया, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, वो रो रहा है, उसको इसकी ज्यादा जरूरत है मेरे से, कोई ऐसा सोच रहा होगा ना, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, मर रहे होंगे, कट रहे होंगे। तो आपके अंदर डिजायर क्या होगा, इस बॉटल को पाने का, इसको आप पैसा बोल सकते हो, जो पूरी दुनिया अभी पागल हुई पड़ी है पैसे के पीछे, समझ पा रहे हो, कुछ जरूरत की वजह से पैसे के पीछे जा रहे हैं, विच इज ओके, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो जरूरतें खुद ही बढ़ा ली हैं और फिर खुद ही पागल हुए पड़े हैं उस पैसे के पीछे, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। आपको 1000 करोड़ भी मिल गया तब भी ये मत समझो कि आप रुक जाओगे, ये डिजायर कम नहीं होगा, और बढ़ जाएगा, और पैसा चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो पूरी जिंदगी आपके डिजायर्स होंगे इस बॉटल से रिलेटेड, थॉट्स इसको पाने से रिलेटेड, इससे रिलेटेड, इसके अलावा और कुछ हो सकता है। अब इन थॉट से पीछा कैसे छुड़ाओगे, इस डिजायर से पीछा कैसे छुड़ाओगे, पूरी दुनिया पागलों की तरह इसके पीछे भाग रही है, कैसे छुड़ाओगे, कहीं और ध्यान लगाओगे, कैसे लगाओगे। आप मान लो ये बॉटल है जिसकी वैल्यू आपके लिए 100 करोड़ है, दूसरी तरफ से एक और बॉटल है जिसकी वैल्यू 2 रुपए है, वहां ध्यान लग जाएगा आपका, लगेगा, कोई बेवकूफ का लगेगा, ध्यान चाहोगे भी तो वहां नहीं लगेगा, कुछ देर के लिए ढोंग करोगे अपना ध्यान मेडिटेशन में लगाने का या और चीजों पे लगाने का, फिर घूम फिर के फिर यहीं आ जाएगा।
यहीं से कहानी शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। एजुकेशन सिस्टम इससे रिलेटेड, जॉब इससे रिलेटेड, बिजनेस इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप्स इससे रिलेटेड। कहते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वो भैया, सब कुछ इससे रिलेटेड। इस पानी की जितनी ज्यादा बूंदे आपके हाथ में आ जाए उतना अच्छा है, उतने आप ज्यादा अमीर हो। अब इससे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक। पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ये हीरा है, पूरी दुनिया को, मतलब 700 करोड़ लोगों को, और 700 करोड़ लोग पागल हुए पड़े हैं, बौखलाए हुए हैं, होश ही नहीं है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको इसकी कुछ बूंदे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। यहीं से सोच शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। अगर आपको समझ आ जाए कि ये झूठ है, ये सिर्फ पानी है जिससे प्यास बुझती है, बस। मतलब समझ गए, ये कोई हीरा वीरा नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके पीछे पागल हुआ जाए। ये पानी है जो प्यास बुझाने के काम आता है। प्यास क्यों बुझानी है? जिंदा रहना है तो प्यास बुझानी ही पड़ेगी, बस इतना ही है। इतनी सी समझ, इससे आपके सारे डिजायर्स एक सेकंड में ढह जाते हैं इस बोतल से रिलेटेड। सारे थॉट्स ढह जाते हैं इस बोतल से रिलेटेड। अब सवाल ये उठेगा कि फिर आप कुछ करोगे क्यों? लोगों का माइंड इसी तरह से चलता है। क्यों चलता है पता है? एक पोयम है, आप लोगों ने सुनी होगी, पापा फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम, आगे नहीं आती। कितनों ने सुनी है? सुनी है? अच्छा, मेरी डॉटर है, टीवी में वो देखती है और उसको इमिटेट करती है, मतलब वैसा ही कुछ करती है। उसके जो हाथ हैं, ये जो पांच उंगलियां हैं, उसमें एक पापा फिंगर है, एक मम्मा फिंगर है, एक भैया फिंगर है, ऐसे। तो ये पापा फिंगर है। तो मैं क्या करता हूँ जान करके, क्योंकि उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ा तोतला बोलती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके मुँह से ऐसे सुनने में। मैं अपनी ये वाली फिंगर करके उसको बोलता हूँ, पापा फिंगर वे आर यू, जबकि पापा फिंगर ये है। तो वो इमीडिएटली सामने से बोलती है, ये पापा फिंगर नहीं है, मैं तैर रही हूँ, ये पापा फिंगर नहीं है, ये पापा फिंगर है, ये है पापा फिंगर। और मैं उसके साथ खेलता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उससे सुनने में। फिर मैं कह देता हूँ ना, और फिर थोड़ी देर में बोलने लग जाता, पापा गंदी, पापा गंदी, पापा गंदी। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि हाँ ये पापा फिंगर है, फिर कहती है पापा अच्छी। अब समझो इसका इस चीज़ से क्या रिलेशन है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। एक्चुअल में क्या है? पापा फिंगर ये है, ये है, कुछ भी बोलते रहो। ये पापा फिंगर कैसे हुई, ये पापा फिंगर कैसे हुई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। बट हुआ क्या है, उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसके दिमाग में ये बैठ चुका है 3 साल की बच्ची के सुन सुन करके, बार बार उस पोएम को सुन के कि ये पापा फिंगर है। अब कोई उसको आकर के अगर बोलेगा कि ये पापा फिंगर है तो क्या होगा? वो उससे लड़ेगी, उसको बेवकूफ़ समझेगी, और ऊपर से सोचो 700 करोड़ लोग भी बोल रहे होते कि ये पापा फिंगर है। समझ पा रहे हो इंटेंसिटी प्रॉब्लम की? सब लोग बोल रहे होते कि नहीं, यही पापा फिंगर है, यही पापा फिंगर, और कोई एक बेवकूफ़ आ जाए मेरे ऐसा और आकर के कहे नहीं ये नहीं है, ये है पापा फिंगर, आप क्या कहोगे? पागल है, पागल है, इसको अकल नहीं है, ये बेवकूफ है। समझ पा रहे हो इसको, उससे रिलेट कर पा रहे हो जिसकी मैंने बात करी? के माइंड में एक इतनी भयानक कंडीशनिंग हुई पड़ी है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही लाइफ शुरू होती है, पैसे पे ही लाइफ खत्म होती है। हो रखी है, नहीं हो रखी है? यस और नो? एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा किसके लिए है इंडिया में? क्या इसलिए है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कि बच्चों को मजा आए, कि पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाया जाए, लेक्चर्स इंटरेस्टिंग हो, कुछ प्रैक्टिकल हो, कुछ क्रिएटिव हो, ऐसा है हमारा एजुकेशन सिस्टम? नहीं है। क्या है? ये बुक्स है, रट लो अच्छे तरीके से। नहीं है पसंद, कोई बात नहीं, रट लो अच्छे तरीके से। क्यों रटना है? रट करके वहां पर लिखना है, लिख करके क्या होगा, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे। उससे क्या होगा, आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको 4 साल तक वहां पर फिर से यही करना होगा। पढ़ते जाओ, रटते जाओ, लिखते जाओ। अच्छा, उससे क्या होगा, उसके बाद में आपको एक जॉब मिलेगी। अच्छा, उससे क्या होगा, जॉब से पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आंख खोल करके देखो, आंख और कान खोल करके देखो
क्या वो लोग जो इस रास्ते से निकल करके फाइनली वहां तक पहुंच भी गए, जॉब मिल भी गई, वहां पे जा करके आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको आजादी नहीं है अपने हिसाब से सोचने की, अपने हिसाब से कुछ करने की, आपको एक काम दे दिया गया, चुपचाप ये बैठ करके करते रहो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे हमको ये कहानी समझ आती चली जाती है कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तब हमको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है कि ये सब किसके लिए? पैसे के लिए ना? क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या यही पापा फिंगर है? ये पापा फिंगर नहीं हो सकती? मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहां पे जैम लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहां पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग पूरी की पूरी दुनिया पागल भी पड़ी है पैसा कमाने के लिए? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो, हटके करो, या कुछ भी ऐसा करो जो आप कर सकते हो। लेकिन सर, यूनिकनेस पहचानेंगे कैसे? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ और है यहां पर, कि पापा फिंगर ये है या ये है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरी बेटी कभी नहीं करेगी, कि पापा फिंगर ये है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं आने वाला। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे सेशन तो सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन क्या अंदर तक ये मानते हो कि पैसा कमाना आसान है? नहीं। करो हाथ ऊपर जिसके अंदर दम है ये बोलने का कि पैसा कमाना बहुत आसान है। कितने लोग हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, इतने सारे लोगों में से। तो हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं। आप इसी को पकड़ के बैठे हो, यही पापा फिंगर है। हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है वो सब ठीक है, पापा फिंगर यही है। बोलने तो इसको पागल है, इसके लिए पापा फिंगर ये है, मेरे लिए तो यही है। बस दिमाग वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पे जाकर के खत्म हो रहा है। उसके बाहर हम देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। समझेंगे कैसे जब तक इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, दोबारा से बोलता हूं, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कर सकते हो तो। पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स हैं। अब सुनो, अब इसके आगे मेरा काम खत्म हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी अमीर बनाना है, मुझे क्या मिलेगा आपको अमीर बना करके? और मैं यही काम करूंगा तो ये सब कौन करेगा? आप समझ गए? तो करना क्या है, सिर्फ इस बात को समझना है। अगर ये बात समझ आ गई, अब आपका दिमाग कैसे चलेगा? अब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो मेरी इस बात से रिलेटेड हो। अभी आपको ऐसे लाखों हजारों लोग नजर आ रहे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फिर आपको ऐसे हजारों लोग नजर आएंगे पूरी दुनिया में जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपको नजर वो आ रहे हैं जो सारे हार्ड वर्क वाले लोग हैं, बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। हार्ड वर्क सबसे ज्यादा एक रिक्शे वाला करता है। लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगे, बड़ी बुरी तरह से दिमाग में बैठ गई है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस डिग्री के बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा, इस नौकरी के बिना काम, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में उठाया हुआ है, क्या क्या। तो जिसकी ये कंडीशनिंग टूट गई वो कुछ भी कर सकता है। वहां से शुरुआत हो जाएगी आपको ये रास्ते दिखने की। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे जो बात मैं बोल रहा हूं, तब तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब आप एक्सेप्ट तो ये करते हो कि बहुत मुश्किल है, और मेरे कहने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई आसान रास्ता, टट्टू दिखेगा आपको। भूल जाओ, कुछ नहीं दिखने का। आसान दिख भी गया उसको भी मुश्किल बना दोगे। सोच ही ऐसी है। एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड? एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है, अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के।
सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है। सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हाँ ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं इस बारे में बात करता हूँ ना, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिज़ायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, तो करें क्या? थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। देखो अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है? कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का। ये खतरनाक है। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने काम शुरू किया, दो महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स, बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज। उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, बहुत हैं, अनलिमिटेड है। अपनी गाड़ी लेकर के आया, ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही, पुराने कपड़े। मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था अपना सारा? बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में मेरा सारा ध्यान वहां पर था। उसका ध्यान कहां था? पैसे का। तो हवा भाई, तो हवाबाज को किसी ने थोड़ी सी हवा दे दी, हाँ उसको हवा दे दी कि तू मेरे को पैसा लगा दे, यहाँ पर मुझे पैसा दे दे, महीने का 5% इंटरेस्ट दूंगा तेरे को, एक साल में 60% इंटरेस्ट आएगा, डेढ़ साल में पैसा डबल। वो बावला गया।
ज़्यादातर लोग ये जो ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स होती हैं, सुना होगा आपने भी इनके बारे में, वहाँ फंस जाते हैं। आपको पता है कितने लोग फंसे हैं इंडिया में इस समय? करोड़ों। हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने अपने लाखों रुपए डुबाए हैं इन चक्रों में। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के साथ में? कभी सोचा है? उन्हीं का लालच उनको फंसा रहा है और उनको पता ही नहीं है। उनका डिजायर अपने आप को बेटर बनाने में नहीं है, शॉर्टकट ढूंढने में है। अभी पैसा मिल जाए बस कहीं से, अभी कुछ करना ना पड़े। संदीप जी, तुम रास्ता बता रही हो तो बड़ा बेकार रास्ता है यार, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, कितना मार्केट को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा, आंखें खोल के इस दुनिया को देखना पड़ेगा, अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, है ना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। बड़ा भारी काम है भाई, कौन करेगा? इससे बढ़िया क्या है, कोई पावरफुल आदमी मिल जाए, वो आकर के कहे तुझे कुछ नहीं करना बेटा, ला करके मुझे अपना 1,00,000 रुपए दे, मैं डबल कर दूंगा एक साल में। तो वो भाई मेरे पास में आया, आकर के कहता संदीप तू ये कहाँ धक्के खा रहा है, पागलों की तरह पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहाँ से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है वो करता है, धक्के खाता है, क्या ज़रूरत है तुझे ये सब करने की, तेरे पास में कितनी सेविंग्स हैं, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ 1.5 साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती हैं। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा, कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है वो, अपनी ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया, कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1.5 लाख रुपये भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1.5 लाख और लगा दिया, फिर उसने यहां से पैसा लिया वो भी लगा दिया, कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया वो भी लगा दिया, करते करते उसने 10 लाख रुपये लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो, बुरी तरह से लग गई, लेकिन उस टाइम नहीं लगी थी, क्योंकि ये सिलसिला 1.5 साल तक चला, और जब ये चला तो पागल हो गया, उसको विश्वास हो गया कि अब तो मेरे को ये पैसा आता ही रहेगा। जबकि अंदर से अगर आप में दम नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप गिरोगे ही गिरोगे, मुंह के बल गिरोगे। ये आलसीपन है कि अपने ऊपर काम नहीं करना, शॉर्टकट ढूंढना। तो इस शॉर्टकट के चक्कर में क्या हुआ, वो बंदा बुरी तरह से फेल हो गया, बुरी तरह से मतलब बुरी तरह से। ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं, चीजों के डिजायर्स, पैसे के डिजायर्स, ये सब फंसाने वाले डिजायर्स हैं। हाँ, पैसे का डिजायर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो, एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं, तो जैसे ही कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में, आपके शौक हैं जो 20,000 रुपये में पूरे हो सकते हैं, मैं आग्रह कहूं ले 20,000 रुपये चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है, करेगा? तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा। जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये सुनिए कहानी किसी ने, वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला, मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है, तो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो आजाद है, कोई और नहीं मान रहा है उसको,
उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। ये है वो चरों का डिजायर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दो तरह के डिजायर्स की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर। ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। अब लोग मुझसे क्या पूछते हैं, बहुत लोगों ने पूछा है मुझसे अलग अलग सेशंस में, कि अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा तो वो कुछ करेगा ही क्यों, वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली बात है। अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है, मान लो मैं हूं वो बंदर जो आजाद है, अब वो क्या करेगा, पूरा दिन जाकर के बैठा रहेगा मेडिटेशन में या कलाबाजियां खाएगा? अरे खाएगा, कितनी कलाबाजियां खाएगा, क्या क्या करेगा, कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा। जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने का लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया, उस बंदर को वो चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहां पर उसके आसपास में सारे बंदर ऐसे ही हैं, सारे, मतलब कि क्या ये सवाल उठ कहां से रहा है। देखो उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, कलाबाजी नहीं खाएगा तो चना नहीं मिलेगा। तो बंदा क्या बोलेगा, वो बंदर क्या बोलेगा आकर के मुझसे, क्या पूछेगा कि यार तुम्हारी सारी बात समझ तो आती है लेकिन तुम कह रहे हो कि जंगल में चने नहीं है तो कोई कलाबाजी क्यों खाएगा, कोई काम करेगा क्यों, बंदर गुलाटी क्यों मारेगा, बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना, बिना करे वो रह नहीं सकता, कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा, चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कितने भी हीरे जवाहरात दे दे, कुछ भी दे दे, गुलामी नहीं पसंद करेगा। ये दुनिया की पापा फिंगर से अलग है। दुनिया की पापा फिंगर क्या कहती है, पैसा आ रहा है ना, अरे कर ले, कुछ भी काम कर ले, इसमें स्कोप ज्यादा है, अरे तू कर ले ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट छोड़, तू पढ़ ले, तू घुस जाओ उस कॉलेज के अंदर, पैसा तो आ जाएगा, लाइफ तो सेट हो जाएगी। सेट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सेट? कि आपको चाहे लोहे की चेन से बांध दिया, चाहे सोने की चेन से बांध दिया, अरे चेन तो चेन है, क्या सेट? पिंजरा तो पिंजरा है, सोच है। आपने सोच में किसको पकड़ा है? अब आपने मेरे से पूछा कि भाई मैं थॉटलेस स्टेट में कैसे रहता हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपसे क्या, आपके बाप से भी कुछ नहीं चाहिए, अब बताओ क्या करोगे, मेरा फॉलो करना है करो, नहीं करना है तेल लेने जाओ। ऑब्वियसली ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, ना किसी और से कुछ चाहिए। बिजनेस रहे तो बढ़िया, नहीं रहे तो बढ़िया, जब तक रहेगा अपनी तरफ से पूरा 100% डालूंगा, किसी वजह से कल नहीं रहा किसी और काम में लगा दूंगा अपना 100%। अगर लाखों में कुछ लोग भी आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग, बाकी सबके लिए उम्मीद जिंदा रहती है, नहीं तो उम्मीद ही कहां है। ये अंधा कुआं है, ये अंधा कुआं है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे इस दुनिया को, इसमें सब नीचे ही नीचे गिर रहे हैं अंधेरे में, ऊपर कोई नहीं जा रहा है, देख के लग रहा है उल्टा जो जितना ऊपर चला गया है इस दुनिया के हिसाब से, उस अंधे कुएं में उतना ही नीचे जा चुका है, उतना ही अंधेरे में है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, वो इतना नीचे पहुंच चुका है, इतना नीचे कि अब अगर उसने बोला, जो दुनिया के हिसाब से ऊपर है, कि अब अगर उसने बोला कि यहां पर कुछ नहीं है तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। हाँ, दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी उसका,
कि इसका मतलब क्या है कि तूने इतना सब किया उसके बाद भी तू खुश नहीं है, तू खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तेरे को वो सब कुछ मिल गया जो हम चाहते हैं कि हमें मिले फिर भी तू खुश नहीं है, तो क्या करेगा अपना एक हंसता हुआ चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, अरे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये बेस्ट रास्ता है, ये है। उसे पूछो अपना माइंड काम है तेरा, मन शांत है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, फियरलेस है, रात को अच्छी नींद आती है बिना गोलियों के, टेंशन फ्री लाइफ है, क्या तेरे पास वो करने की आजादी है जो तेरे अंदर से आ रहा है? ये आजादी कहां से आती है? ये सोच से आती है। अगर आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया आजादी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो क्या होगा? आज नहीं तो कल हो जाओगे। कब होगे, कैसे होगे, ये मैं नहीं बोल सकता। मतलब इट इज नॉट दैट कि मैंने बोला, आपने अपने माइंड में एक सोच बनाई कि मैं आजाद हो जाऊं और मैं आजाद हो जाऊंगा एक महीने बाद, एक साल बाद, नहीं, लंबा रास्ता है, जान लगानी पड़ेगी, एक एक चीज को समझना पड़ेगा, बारीकी से आगे बढ़ना होगा। सपोजिंगली आपने कोई काम किया, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, आपको लगा मैं आजाद हो गया हूं, बाद में आपने देखा बॉडी की वॉट लगी हुई है, समझ गए, पैसा कमाने के चक्कर में बॉडी ही लग गई, अब कहां आजाद हो आप? तो अब आपने कहा चल यार बॉडी पे काम करता हूं, आपने बॉडी पे काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ से पता लगा आपकी वाइफ आपके या अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, अब आपकी वॉट लग गई, अब हेल्थ भी गया, इधर से आप देवदास बन गए, उधर से बिजनेस करने का आपका मन नहीं कर रहा, कहां आजाद हो? फिर कुछ आया, उसने आकर के आपको पकड़ लिया, फिर उसने जकड़ लिया, जैसी एक चीज आपको जकड़ती है बाकी सब चीजों में आप धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हो, कभी भी देख लेना। तो कहां से आजाद हो गए, कैसे हो गए? पूरी तरह से, सोच से, सोच से। ये जो सोच है ना, आजादी वाली सोच, एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब हर तरफ से पूरी तरह से आजादी, अपनी हर तरह की ऐसी सोच से जो आपको नीचे गिराती है, तो आपको नजर आने लग जाएगा कि अरे तेरी, ये भी अपने आप में एक ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, ये भी ट्रैप है, कुछ भी नहीं चाहिए। द मोमेंट यू अंदर से जिस दिन आप बोल देते हो, अंदर से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, जिस दिन अंदर से आपके आने लग जाता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना इनसे ना भगवान से, अब आप आजाद हो।